बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन में। शाम का वक्त है, आपको इंतजार हो रहा होगा जानकारियों का। तो जी हाँ, जानकारियाँ और विशेषज्ञ भी आज हम साथ लेकर आए हैं, और आज तो फोन इन लाइव है, आप सीधे तौर पर विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं, अपने समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दुर्गा पूजा की ढेरों बधाइयाँ देना चाहूँगी। माता रानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, निरोग रखे, यही कामना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कृषि समाचार की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने तीसी की दो किस्में की हैं विकसित। प्रगतिशील पशुपालकों को किया जाएगा पुरस्कृत। पिछाड़ पत्ता गोभी की खेती से बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं लेट ड्राम हेड। अब समाचार विस्तार से। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने तीसी की दो किस्में विकसित की है, दिव्या और प्रियम। ये दो किस्में काफी लाभ कारी साबित हो रही हैं। औषधीय गुणों वाली तीसी की देश एवं विदेश में ज्यादा मांग एवं बेहतर मूल्य को देखते हुए इसकी खेती में निर्यात की काफी संभावनाएं बढ़ी हैं। राज्य के किसानों की आय दुगनी करने में यह फसल सहायक साबित होगी। सिमडेगा जिले के पशुपालक भाइयों को जिला स्तर पर प्रगतिशील पशुपालक और राज्य स्तर पर मॉडल इकाई विकास पुरस्कार योजना से पुरस्कृत किया जाएगा। जिला स्तर पर विगत 3 वर्षों से उन्नत पशुपालन एवं प्रबंधन का कार्य कर रहे पशुपालकों को और राज्य स्तर पर वैज्ञानिक विधि से विशिष्ट मॉडल इकाई के विकास के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इच्छुक पशुपालक 22 अक्टूबर तक जिला पशुपालन कार्यालय सिमडेगा में आवेदन पत्र जमा करें। किसान भाई, यदि आप पत्ता गोभी की खेती कर रहे हैं और फल में फटने की समस्या आ रही है, तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला, लंबे अंतराल पर सिंचाई, और दूसरा, बोरान की कमी का होना। इस समस्या से बचाव के लिए पत्ता गोभी के खेत में निर्धारित स्थान पर सिंचाई करें। इसके बाद पत्ता गोभी फटे तो बोरान की पूर्ति करें। किसान भाई, यदि आप पत्ता गोभी की खेती कर रहे हैं तो यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि लंबे अंतराल पर पटवन करने से पत्ता गोभी फटने लगता है, क्योंकि पौधे बहुत तेजी से जल ग्रहण करते हैं जिससे फल फटने लगता है। इसलिए एक निश्चित अंतराल पर पटवन करते रहना चाहिए। इसके बाद भी फल फटे तो समझे कि मिट्टी में बोरान की कमी है। बोरान की कमी को दो तरीकों से पूरा किया जा सकता है, आइए इस संबंध में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाई, जो पत्ता गोभी लगाते हैं उनमें एक समस्या आती है, पत्ता गोभी फटने की समस्या आती है। तो किसान भाई, इसी को मैं बताना चाहूँगा, पत्ता गोभी फटने का दो कारण होता है। एक तो कारण होता है कि लंबे समय अंतराल के बाद अगर आप सिंचाई करते हैं तो पौधे बहुत तेज़ी से पानी को लेते हैं और उसके कारण फल फटता है। लेकिन अगर आप सिंचाई नियमित अंतराल पर कर रहे हैं फिर भी फल फटने की समस्या आ रही है, तो इसका मतलब है कि मिट्टी में बोरोन की कमी हो रही है। बोरोन की कमी को पूरा करने के लिए जब भी खेत की तैयारी करें तो बोरेक्स के साथ मिला करके खाद के साथ बोरेक्स डाल दें, या 2% बोरेक्स का 2 ग्राम बोरेक्स प्रति लीटर पानी में डाल करके वह छिड़काव करते हैं तो भी फटने की समस्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाई, पिछात पत्ता गोभी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद लेड ड्राम हेड सब्याय कैबेज लगाएं। पिछात पत्ता गोभी की खेती बलुई दोमट मिट्टी में करें। खाद एवं उर्वरक में कंपोस्ट 200 से 250 क्विंटल, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम और पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिलाएं। साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई,
खरपतवार के नियंत्रण एवं खेत की तैयारी के लिए बखर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में माहो, सफेद मक्खी और पत्ती खाने वाले कीटों के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, आपके पौधशाला में टमाटर का बिचड़ा तैयार होने की स्थिति में हो तो उसे खेत में रोपने से 3 से 4 दिन पहले उपचार करें। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.3% दवा से घोल बनाकर बिचड़ों की जड़ों में डालें। इसके बाद पौधे रोपण करने से टमाटर फसल में माहो, सफेद मक्खी और पत्ती खाने वाले कीट नहीं लगेंगे। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, हमारा झारखंड एक कृषि प्रधान देश है, ये तो आप जानते ही हैं। झारखंड में भूमि संरक्षण कैसे की जाती है, इन तमाम बातों की जानकारी लेने के लिए चलिए सीधे चलते हैं स्टूडियो, जहां पे हमारे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं और आपको जानकारी दिलाएंगे खेती बाड़ी की हर बात हमारे साथ। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आप सभी को दूरदर्शन परिवार की ओर से दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान फसल की कटाई और भंडारण के विषय में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर परवेज आलम। डॉक्टर परवेज आलम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत हैं। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार और जोहार किसान भाइयों, आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से भी। डॉक्टर साहब, अभी धान की कटाई का अब वक्त आने लगा है, अक्टूबर महीना अभी चल रहा है। सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि धान की कटाई किसान भाई कब शुरू करें, समय क्या होगा? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने, क्योंकि ये अक्टूबर महीने का करीब करीब हम लोग बीच में हम लोग हैं और हमारे किसान भाई दुर्गा पूजा की भी तैयारी कर रहे होंगे, इस बीच फसल भी उनके पक के तैयार हो रही होगी। तो इसमें मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा कि जो किसान भाई अगर समय से अपलैंड यानी टाँड में धान का फसल लगाए हैं, वो तो निश्चित तौर पे पक गई होगी और किसान भाई को चाहिए कि उसको यथाशीघ्र खेत से काट के हटा लें। ठीक है जी। ये तो टाँड ज़मीन की बात होगी। वैसे किसान भाई जो मध्यम और नीची ज़मीन में रोपा का कृषि कार्य किए हैं, क्योंकि इस बार आप जान रहे हैं कि मानसून जो है वो समय से नहीं आया जी। और अगर आया भी तो काफ़ी अंतराल के बाद पानी मिला है, तो जनरली ये देखा गया, पूरे झारखंड का सर्वे हम लोगों ने किया तो ये हम लोगों ने पाया है कि जो 15 अगस्त तक जो रोपा करने का जो कृषि कार्य का जो समय हम लोग निर्धारण करते हैं वो 15 अगस्त तक नहीं हो पाया, कहीं कहीं लेट भी हुआ है। तो उस हालत में रोपा वाला जो धान है वो अभी थोड़ा पकने में विलम्ब है जी, है ना। तो उसमें देखें कि अभी अगर विलम्ब है तो उसको खेत में छोड़ दें और जो समुचित कृषि कार्य है जो कि हम आपके साथ जो पिछली बार जो हम चर्चा किए थे जी, तो वो समुचित कृषि कार्य अगर उनको लगता है कि ये ज़रूरी है तो वहाँ पर करना चाहिए। लेकिन अपलैंड यानी टाँड में जो धान की फसल है वो अब बिल्कुल पक के तैयार हो गई है, उसको वहाँ से हटा लें। बिल्कुल, आपने बता दिया कि किस तरह से कब ये कटाई करनी चाहिए और किस तरह की ज़मीन में लगी हुई है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है सर कि जो किसान भाई काटना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह है? आजकल बहुत तकनीकें हैं इस क्षेत्र में,
बहुत सारे किसान भाई हैं जो परंपरागत तरीके से काटते हैं, किस तरह से काटना चाहिए, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए फसल को ताकि उनको पुआल भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके? देखिए, ऐसा देखा जाता है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो जो खास करके जो झारखंड में जो प्रैक्टिस है, आपने तकनीक की बात की, तो तकनीक में तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मशीन आ गए हैं, हार्वेस्टर, कंबाइंड हार्वेस्टर आ गए हैं जो खेत को काटते हैं, वहीं पे दाना को अलग करके किसान को प्रोड्यूस मिल जाता है। लेकिन हमारे बड़े किसान के लिए हमारे झारखंड में किसान इसको शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा जो खेत का जो साइज है वो भी बहुत छोटा है, जोत काफी छोटा है, और उसको उस मशीन को चलने के लिए वो बड़ा जोत का खेत होना चाहिए, तो ये तो संभव झारखंड में हमको नहीं दिखता है। लेकिन जो हमारे किसान भाई परंपरागत विधि से जो हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उसमें एक गलती हमारे किसान भाई अक्सर कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि जो धान की जो बालियां हैं उसको ऊपर से तोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं, है ना, उनके परिवार के सदस्य या अपने या उनके बच्चे भी उसको ऊपर से तोड़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। अब आपको ये पता है कि जो धान की बालियाँ होती हैं सभी एक हाइट पर नहीं होती हैं, कुछ ऊपर होती हैं, कुछ नीचे होती हैं, तो जितनी दूर तक किसान भाई झुक करके बालियाँ को तोड़ रहे हैं उतनी दूर का तो हार्वेस्ट उनको मिल जाता है, लेकिन जो नीचे जो बालियाँ रह गई वो खेत में ही छूट जाती हैं। अब क्या करते हैं किसान भाई, जब बालियाँ ऊपर से तोड़ लिए उसके बाद खेत को साफ करना है, तो साफ करने के लिए अब मजदूरी लगेगा, तब उसको मजदूरी किस बचाने के लिए और पैसे बचाने के लिए, समय बचाने के लिए उसमें आग लगा देते हैं। नुकसान किसका हुआ? नुकसान हमारे किसान भाई का हुआ, पर्यावरण का नुकसान हुआ। अभी आप देख रहे हैं दिल्ली वाले जो परेशान हो रहे हैं, पराली जो जल रहा है पंजाब और हरियाणा में, उसके चलते काफी प्रदूषण हो रहा है। ये गलत तरीका है, तो ऐसा ना करें। आपको चाहिए कि जो धान का जो फसल जिसको आप काटने जा रहे हैं वो जमीन से सटा करके काट लें, है ना, बहुत से आप 2 से 3 इंच या 4 इंच का नाड़ा जिसको बोलते हैं, जो ऊपर से फसल काटने के बाद जो बच जाता है, क्योंकि आप पूरी जमीन से सटा के नहीं काट सकते, थोड़ी ऊपर से आप 3 से 4 इंच का छोड़ करके नाड़ा और अपने धान के फसल को काट लें वहाँ पे, तो इससे क्या होगा कि जो आपका जो छूट रहा था वो नहीं छूटेगा, और आपको जब आप उसको काटने के बाद जब अपने खलिहान में ले जाएंगे और जब उसको अलग करेंगे, मड़ाई हो जाएगी, दौनी जिसको बोलते हैं, तो मड़ाई करने के बाद क्या हो, आपको पुआल मिल गया। अब ये पुआल आप चाहें तो आप बेच सकते हैं, चाहे तो अपने जानवरों को खिला सकते हैं, चाहे तो इससे अपने लिए आप जो छत बनाते हैं, पुआल की जो टट्टी बोलते हैं, घर का निर्माण कर सकते हैं। जाड़े के समय में पुआल बहुत अच्छा गर्म रहता है, है ना, उसको नीचे बिछा करके उस पर लोग सोते भी। कुल मिलाकर थोड़ा छोड़कर ही काटना चाहिए, जलाने वाला सिस्टम बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पुआल जो है आपके बहुत काम का चीज है, बहुत फायदे की चीज है, इस बात को किसान भाई को समझना होगा, क्योंकि ये पुआल से आपकी अतिरिक्त आमदनी भी हो सकती है। तो अगर आपको मान लीजिए इतने सारे जो हमने यूजेज बताए, उपयोग बताए, अगर आपको कुछ नहीं इसका उपयोग है तो ठीक है, आप उसको बेच दीजिए, कुछ पैसा आपके जेब में आ जाएगा, है ना, कहीं ना कहीं इसमें इससे लाभ ही लाभ है। हाँ जी, अब आते हैं ये 3 चीज़ों के बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है दौनी की। तो आजकल बहुत तरीके हैं दौनी के, आप जो हमारे किसान हैं झारखंड के लिए जो उपयोगी हो सकता है दौनी का तरीका वो क्या है, क्या सलाह है उन किसानों के लिए? देखिए, अब इसमें जब कटाई की बात हो गई तब दौनी की बात आती है, इसमें भी एक गलती हमारे किसान भाई से होती है, उसको ना दोहराएं। जैसे करते क्या है कि एक खेत को उन्होंने आज काट लिया, काटने के बाद जो फसल कटाई के बाद निकली उसको वहीं पर छोड़ देते हैं खेतों में। अब खेत में क्या है, अगर पहले से नमी है खेत में, तो जो आपने उसको फसल को वहाँ पे गिरा के रखा है तो जितने सारे दाने हैं वो सब भींगते हैं, है ना। अब भींगने के बाद क्या होता है कि, और आपके मिट्टी में आपको पता है कि बहुत सारे बीमारी के कीटाणु, बहुत सारे उसके अंडे, लार्वा, बच्चे सब वहाँ पर मौजूद रहते हैं। अगर आपने ऊपर काट के हटा लिया तब तो आप इससे बच जाएंगे, लेकिन अगर आप वहाँ पे छोड़ देते हैं 3 से 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, क्यों छोड़ते हैं, वो इसलिए छोड़ते हैं कि आज एक इस खेत को काट लिए, कल दूसरी खेत को काटेंगे, परसों तीसरी, चौथी, जब तक एक साथ ले जाने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी हफ्तों दिन जो है वो ऐसे ही खेत में पड़ा रहता है।
तो जाने अनजाने किसान भाई क्या करते हैं कि एक तरह से वो आमंत्रण देते हैं बहुत सारे जो कीटाणु हैं, जो सॉयल बॉर्न डिजीज है, मतलब मिट्टी से पनपने वाली बीमारियां हैं, उसको पौधों के ऊपर आने के लिए मौका देते हैं, और इससे आपकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, चावल की क्वालिटी खराब, बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो ऐसा ना करें, आप जिस खेत को आज काट रहे हैं, काट करके उसको आप उसी दिन अपने दौनी वाले स्थल पर ले जाइए जहाँ पर आपको मड़ाई करना है जी। वो स्थल आपको पता है, ये तो हमारे किसान भाई, हम इस मामले में बहुत हमको अच्छा लगता है कि हमारे किसान भाई झारखंड के खास करके जो दौनी जहाँ पे करते हैं उस एरिया को बहुत अच्छी तरह से साफ करते हैं जी। ये काबिले तारीफ है, क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं कि गोबर का लेप लगा करके, चूना का लेप लगा के कुंभा बनाया जाता है, बहुत अच्छे से रखते हैं। वो हाइजीनिक कंडीशन है, वो ग्रेन रखने का सबसे अच्छा तरीका है। तो जो आप खेत में छोड़ रहे हैं वहाँ ना छोड़ करके आप उसी दिन शाम में जितनी भी कटाई आपकी हुई है उसको वहाँ से लेकर के अपने वाले स्थल पर ले आकर रख दे, फिर दूसरे दिन आप दूसरे खेती की कटाई करें, फिर उसको ले आकर रख दे, है ना। इस तरह से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है ग्रेन खराब नहीं होगा। दूसरा चीज, मान लीजिए पानी नहीं है, ठीक है, बहुत से किसान भाई सोचते होंगे नहीं हमारे खेत में पानी नहीं है तो हम क्यों हटाएं वहां से। तो अगर पानी नहीं है तब क्या है, वहां पे सूखा कंडीशन है, धूप पड़ रहा है, तो और जो फसल आपका वहां पे सूख रहा है, ठीक है, चार पाँच दिन अगर वहाँ पे सूख गया अगर तेज़ धूप के अंदर, तो क्या होगा कि जब उसको उस समय जब उठाएंगे और जब ले जाने लगेंगे तो देखेंगे कि दाने झड़झड़ के रास्ते पर गिरते जा रहे हैं, है ना, तो झड़ने लगेगा क्योंकि पूरी तरह से सूख गया है। तो वो भी गलत है, ये भी गलत है, है ना। किसी भी हाल में अगर पानी है तो छोड़ रहे हैं तो भी गलत, पानी नहीं है तो छोड़ रहे हैं तो भी गलत। इसलिए मेरा सलाह, सीधी बात ये है कि काट कर सीधा उसको दौनी वाले स्थल पर, मेरा ये प्रयास है कि किसान भाई के खेत में जितना भी अनाज उगा है वो 100% उनके गोदाम में पहुंचना चाहिए, हमारा ये प्रयास है। तो फिर उसको छुड़ाए कैसे, छुड़ाने का भी कुछ तरीका, चावल को पुआल से अलग करने का कुछ? देखिए ऐसा है कि यहाँ तो कई तरीके हैं, हाँ, झाड़ते हैं और फिर ये भी चलाते हैं, जानवर भी चलाते हैं हाँ, जानवर चलाते हैं, झाड़ते हैं। अब क्या है कि जानवर चलाने और झाड़ने में तो बहुत सारा ग्रेन जो है वो इधर उधर चला जाता है, तो इन सब से बचने के लिए और तेज़ी से करने के लिए पैडल थ्रेशर आता है जी। पैडल नुमा रहता है, वो एक गोल सा कृषि यंत्र होता है जिसके ऊपर बहुत उभरे स्पाइक्स निकले रहते हैं त्रिभुजाकार के, और उसको किसान भाई खड़ा होकर के अपने पैर से उसको चलाते हैं। इसमें किसी तरह की कोई भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, ना डीजल लगना है, ना इसके लिए बिजली चाहिए। उसको पैर से चलाते हैं और जो पुआल की जो गठरी है उसको बारंबार से लेकर के सामने रखते हैं, तो मशीन घूम रहा है आपके पैर चलाने से, तो क्या होता है कि दाने उससे बहुत जल्दी से निकल करके आपके नीचे जमा होते जाते हैं। समय की बचत, श्रम की बचत और पैसे की भी बचत। क्योंकि हम चाहते हैं कि किसान भाई का जो कृषि कार्य, देखिए बहुत महंगा होते जा रहा है, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो इकोनॉमिक्स जो है, मतलब किसान भाई के जेब में जितना पैसा जाना चाहिए, एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान है कि किसानों के आय को दुगनी करनी है, तो यही सब छोटा छोटा जो बिंदु है अगर इसको मिला के चले तो एक हमको लगता है ऐसी ही किसान की आय दुगनी हो सकती है, क्योंकि खेत से जो इतना प्रोड्यूस है उसको लेके चले जाएं। अब ऐसा देखा गया है कि 20% जो अनाज है वो खेत में ही छूट जाता है, 10% अनाज आपको ले जाने में गिर जाता है, तो ये 30% को अगर आप बचा लेते हैं तो क्या आपको फायदा नहीं होगा? बिल्कुल। और इसी क्रम में जब बचाने की बात आई तो बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो भंडारण सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, वे यहाँ भी कई तरह के तरीके हैं, वो पुआल से बनाते हैं, कुछ क्षेत्रों में उसको मूड़ा भी कहते हैं, वो बनाते हैं, उसमें डालते हैं, रखते हैं। आजकल कुछ कंटेनर आ गया है, कई बार होता है कि जो अनाज गृह है उसकी साफ सफाई सही से नहीं हो पाती है, तो जो भंडारण कर रहे हैं किसान भाई, जो कटाई के बाद भंडारण करेंगे, उनके लिए क्या सलाह है? देखिए भंडारण करने से पहले जिस भी अनाज का, आज तो हम चर्चा कर रहे हैं धान का, ठीक है, हम धान पे ही हम लोग केंद्रित रहेंगे, लेकिन एक किसान भाई को हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, धान या कोई भी फसल जिसका भंडारण आप करने जा रहे हैं उसके लिए पहले धान को आप तैयार करिए। जैसे
आप कोई भी फसल लगाने जाते हैं तो क्या करते हैं? खेत को तैयार करते हैं। बिल्कुल। अगर धान लगा रहे हैं तो धान के हिसाब से तैयार करते हैं, गेहूं लगा रहे हैं तो गेहूं के हिसाब से तैयार करते हैं, चना लगा रहे हैं तो उसके हिसाब से तैयार करते हैं। उसी तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि धान जो आपने दौनी करके दानों को अलग कर लिया है, अब आपका जो है वो 3 से 4 महीना उसको आप चाहते हैं कि हम बचा के रखें आगे के लिए। आगे क्यों बचा के रखें? ज़्यादा प्राइस के लिए, अपने खपत के लिए, है ना? बहुत बहुत से कारण होते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि धान को आप पहले तैयार करिए। किसान अक्सर क्या गलती करते हैं हमारे भाई, कि वो धान को वहाँ से दौनी किए, बोरे में भरा, डाल दिए। अब क्या है कि कुछ दिन के बाद, 1 महीने 2 महीने के बाद जब आप निकाल के देखते हैं तो उसमें तरह तरह के बीमारी लगे हुए हैं। धान पूरा आपका ब्लैक पड़ गया है, काला हो जाता है। ये काला क्यों हो गया? ये काला हो गया क्योंकि उसमें मॉइस्चर अधिक था, नमी की मात्रा अधिक थी, विभिन्न कीट का प्रयोग हो गया, ठीक ना? तो इन सब से बचने के लिए पहले धान को तैयार करना। तो आप पूछ, आपके मन में सवाल आया कैसे तैयार करें? बिल्कुल, ये प्रश्न मेरे मन में है। तो तैयार करने का 2-3 विधि है जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ। पहला यह है कि धान को 5-6 दिन 7 दिन सन ड्राइंग करिए, यानी धूप के नीचे उसको सुखाना है। खूब सुखाइए उसको, ऐसा जो कभी कभी खेत में सुखाते हैं उसको अपने घर पे खलियान जो बनाया है आपने वहाँ पे सुखाइए। ऐसा सुखाना है कि जब धान के इसको दाने को जब आप ऊपर लेके हाथ से छोड़ेंगे तो छन छन की आवाज़ आए। किसान भाई अच्छी तरह समझते हैं, अगर वैसे भी नहीं समझ में आ रही है तो 2-3 दाना उठा के दांत पे दबाइए, प्रेस करिए, दबाना है तो क्या होगा कि आपको कट की ध्वनि मिलेगी। अब तो वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं 8 से 10% मॉइस्चर होता है हमारे पास जी, वो धान ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन किसान भाई कहाँ से 8-10% समझेंगे जी? तो ये काम करके वो उसको अच्छी तरह से भंडारण कर दें, जूट के बोरा में हो या किसी बर्तन में हो। डॉक्टर साहब, ये चर्चा हम पूरी नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी एक समय की सीमा है। किसान भाइयों, अगर आप धान काटने जा रहे हैं तो इन तमाम बातों का ध्यान रखें, और भंडारण के विषय में भी इन तमाम बातों का ध्यान रखें तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार, जोहार। नमस्कार।